हनुमंत जयंती की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। समर्पण, सच्ची सेवा का भाव, प्रत्येक कार्य में इच्छा शक्ति की जागृति, हनुमंत हम सभी के जीवन में अनंत स्तर पर प्रवाहित करते रहें, ऐसी ही कामनाएं हैं। मिथुन राशि, तुला राशि, धनु, मकर और कुंभ राशि के महानुभाव विशेष तौर पर आज संकल्प लेकर हनुमंत आराधना और उपासना जरूर करें। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, साथ में ही 11 से 21 बार हनुमान चालीसा करते हैं, तो ये जो शनिदेव के साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव हैं, जिनमें कई बार व्यक्ति गलत डिसीजंस ले लेता है, संघर्ष की चहुमुखी स्थितियां देखता है, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की जो प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर अग्रसर हो पाती है। तो यहां पर 8 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं। बुधवार रहेगा तो वही पूर्णिमा तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है और साथ में ही चंद्रमा आज शाम 4:33 तक कन्या राशि स्थान, तो उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चित्रा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है, तो वहीं सूर्यदेव मीन राशि में गतिमान है। बुध अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके मीन राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं एक दिन पहले ये स्थितियां। साथ में ही एक छोटी सी चर्चा इस दैनिक राशिफल के पहले, कई बार हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे मूड स्विंग बहुत फटाफट होते हैं, एक क्षण कुछ और सोचते हैं, दूसरे क्षण कुछ और सोचने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत शांत चित्त है, तो किसी व्यक्ति के बारे में यह भी सुना जाता है कि एक समय तक धैर्य के साथ में चले और उसके बाद एकदम गुस्सा उबाल पर आ गया और शांत होने का नाम ही नहीं लिया। ये नेचर है, ये प्रकृति है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। उसको इस तरह का एंगर और एंग्जाइटी का मूड किस वजह से आता है, ये ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बुध जो कि प्रबंधन के साथ में जुड़े हुए हैं, बुध की अगर कुंडली में प्रभावी स्थितियां हो तो व्यक्ति जहां पर भी मिसमैनेजमेंट होता हुआ देखता है वहां पर उसके लिए उससे की प्रवृत्तियां बढ़ती है। बृहस्पति की स्थितियों के साथ में ज्ञान का प्रवाह है, अगर कहीं पर भी फैक्ट्स के अंदर इधर उधर की पोजिशंस व्यक्ति देखता है तो वहां उसके लिए एंग्जाइटी पनपती है। शनिदेव महान्यायाधिपति है, कोई भी व्यक्ति उनके साथ में और ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जिनकी कुंडली में शनिदेव की प्रधानता है, अगर कहीं पर भी फेक पोजिशंस देखता है, झूठे आरोप प्रत्यारोप देखता है, तो वहां पर उसके गुस्से का उबाल सामने आता है। और वहीं अगर आप मंगल के ग्रहों में सेनापति की पोजिशंस देखें, जहां पर भी डिसिप्लिन में कमी हुई, सिस्टमेटिक अप्रोच में कमी हुई, या फिर उनके मन माफिक काम नहीं हुआ, तो वहां एक गुस्से की प्रवृत्ति बनपती है। चंद्रमा जो कि शीतलता प्रदान ग्रह है, यहां पर अज्ञात भय के साथ में भावनात्मक स्तर के साथ में एंगर की पोजीशंस पनपती हुई दिखाई देती है। राहु और केतु की पोजीशंस कुंडली के अंदर अगर बेटर लेवल के साथ में हो, उनकी दशाएं चल रही हो, तो व्यक्ति कई बार अंतर चेतनाओं के साथ में प्रभावित होता हुआ, सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में खुद के इम्पैक्ट को पाता हुआ नेगेटिविटी की ओर जाता है। तो वहीं पर जब भौतिकता बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती, दूसरे लोगों के साथ में कंपैरिजन में हम खुद को कम पाते हैं, तो वहां पर एक एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन शुक्र की वजह से भी पनपती हुई दिखाई देती है। ये एक प्रवृत्तिशील गुण इन सारे ही ग्रहों के साथ में जुड़ाव रखते हैं, हालांकि मैं इनकी विस्तृत चर्चा करूंगा, किंतु आप अपने जो मूड की पोजीशंस है या फिर जो एंगर की पोजीशंस है उसको कहीं पर भी सेटल डाउन करके चलना चाहते हैं, जो नेचर के अंदर एक परेशानी का सबब आपके लिए बना हुआ है, तो एक बार अपने हॉरोस्कोप को पहले चेक कीजिए, उसके बाद में हम किस तरह से आराधना और उपासना की पद्धतियों को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जरूर विचार कीजिए। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। यहां पर संध्या समय अंतराल तक, लगभग शाम के 4:30 तक आप स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, कोई भी ऋण देने और लेने से बचिएगा। तो वहीं घर परिवार के साथ में पुराने जो भी किस्से रहे हैं या फिर जहां पर हम बैठकर कुछ अच्छा सोच पाएं और अपने परिवार की पुरानी स्मृतियों को अनुभवों को ताजा कर पाएं, ये प्रयास निरंतर तौर पर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमसे बहुत दूर रह रहा है तो उसे भी एक टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास हम जरूर करें। कर्ज संबंधी कोई भी स्थिति चल रही थी, परिस्थिति चल रही थी, रिलीफ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिल पा रही थी, यहां पर आपके प्रयास एक तरह से आपको कंफर्ट देने वाले हो सकते हैं। तकनीक संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन
कुछ नए ऑफर्स लेकर आ सकता है। गृहस्थ के साथ में किसी भी छोटी मोटी चीज की वजह से आपके लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं पनपे, इसका भी ख्याल रखिएगा। जो भी महानुभाव एजुकेशन लाइफ के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ एकाग्रता में कमी है, तो घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है, मित्रों के साथ में आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं वहीं पर समय बीत रहा है, तो एक अच्छी कन्वर्जेशन के साथ में जाएं। जब भी मन इस तरह से थोड़ा सा व्यथित हो और पढ़ाई में उचाट हो तो व्यक्ति को खुद को रिफ्रेश करने के बहाने जरूर खोजने चाहिए। ये इस दिन का एक मूल मंत्र आपके लिए है। तो वहीं अगर मैं वृषभ राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि क्षमताओं में वृद्धि है। शेयर मार्केट में अगर कोई भी महत्वपूर्ण निवेश अगर आप करना चाहते हैं, पिछले दिन भी मौका था, ये दिन भी सुपीरियर है, तो आप उस लिहाजा सोच सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में जुड़ाव है, समय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने का प्रयास करें। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर आपको यहां पर कॉल किया जाता है, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है अगर वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जुड़ने में सक्षम हो पाए तो आपको निरंतरता के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। संतान पक्ष से कुछ समझना और उनको समझाना आज का मूल मंत्र आपके लिए रहे। तो वहीं पर व्यापारिक स्तर पर नई सोच को डेवलप करना, अपने व्यापार को रीएनालाइज करके चलना, एक बार फिर से सोचना कि किस नएपन की आवश्यकता है, ये सब कुछ आज की प्रवृत्ति है। अगर आप मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं तो जो भी की पर्सोनल्स आपके बिजनेस के साथ में हैं उन सभी से टेलीफोनिकली संपर्क रहे, आगे की प्लानिंग चलती रहे, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पराक्रम में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, भाग्य का सपोर्टिव लेवल अच्छे स्तर के साथ में आपके समक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हिडन प्रॉब्लम्स कई बार हल्के फुल्के स्तर पर आपको परेशान करती है उससे भी यहां आपको निजात मिलेगा। मिथुन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि अज्ञात भय के सिरे आपको कहीं पर भी परेशान करने वाले नहीं हो। चतुर्थ भाव के चंद्रमा है, फिर पंचम की तरफ जाएंगे तो जो भी कई बार व्यक्ति एक रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ में चलता है कि ये कार्य उस समय कर दिया होता और उसकी वजह से ही खुद को एक भय के अंदर लेकर चलता है कि आगे इसके परिणाम किस तरह से आएंगे, उससे स्वयं को मुक्त रखें आप। वहीं भाइयों के साथ किसी भी तरीके की रिलेशंस के अंदर बाधाएं नहीं आए इस बात का ख्याल करके आपको आज निरंतर तौर के ऊपर चलना चाहिए, ये एक बात। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा आप कि माता पिता के साथ संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता यहां आपके सामने आ सकती है। उनसे मिली हुई सीख और आशीष लंबे समय तक आपके भीतर ऊर्जा को प्रस्फुटित करने वाली रहेगी ही रहेगी। जब घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीत रहा हो, वो आपके सुन रहे हो, पूरे तरीके से आप लंबे समय बाद एक कंफर्ट जोन बना चुके हों, तो उनको जो भी सीख देनी है उस लिहाजा भी ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश से आप बचिएगा, व्यापार पर बहुत ज्यादा चिंतन करने से और चिंता को जन्म देने से आपको बचना चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस आज के इस दिन का मूल मंत्र रहे तो बहुत बढ़िया है। वहीं अगर मैं कर्क राशि की चर्चा करता हूं, रिलेशंस को रिपेयर करने के हिसाब से ये दिन बहुत बेहतर कहा जा सकता है। पराक्रम भावस्थ जब पोजीशंस कहीं ना कहीं चंद्रमा की जुड़ी हुई हो और चतुर्थ की ओर अग्रसर हो रही हो तो ऐसे महानुभावों के लिए पुराने रिलेशंस जहां पर कोई स्टिफर अप्रोच आई थी, परेशानी आई थी, सुलझन निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग महत्वपूर्ण तरीके से आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव हस्तक्षेप है, यश मान की प्राप्ति यहां पर हो रही है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि भाइयों के साथ किसी भी व्यापार की आप आगे जाकर शुरुआत करना चाहते हैं और उस लिहाजा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ये दिन आप खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ मानकर चलें। आध्यात्मिकता के लिहाजा कुछ मन के अंदर नए स्पंदन जो पनपने चाहिए, ये दिन उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से आप जितनी प्रगति करना चाहते हैं, किसी भी नए पुस्तक के अध्ययन की ओर जाने की शुरुआत करना चाहते हैं, दिस टाइम फ्रेम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू। एक बात तो ये, वहीं पर यह भी ख्याल रखिएगा कि वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, जुड़ाव है, धैर्य की आवश्यकताएं
महती स्तर के साथ में रहेगी। सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो धन भाव में चंद्रमा और उसके बाद में पराक्रम भाव की ओर अग्रसर होने वाले रहेंगे, तो जो धनागमन के साधन लंबे समय से रुके हुए थे वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर जो बार बार हिडन प्रॉब्लम सता रही थी वहां नियंत्रण है। विदेश में आप रह रहे हैं और फाइनेंशियल लेवल पर कोई भी आपको गेन नहीं मिल पा रहा था, रुकावट थी, बाधाएं थी, एक रफ्तार नहीं बन पा रही थी। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव वहां खुद के लिए एक बेहतर अप्रोच को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि जो भी महानुभाव रिसर्च के साथ में, एनालिसिस के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, निर्णायक दौर में अगर आप चल रहे हैं तो जो भी आपके सामने केस स्टडी आई है या जो भी आपने एक तरह से एनालाइज करने का काम किया है उसको पेपर बुक अप्रोच में लेकर जरूर हम यहां पर चलें, एक बात तो ये। वहीं भाग्य का एक सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप निरंतर गतिमान हैं तो इस दिन वहां पर भी आपके लिए एक बेहतरी बन सकती है, यानी कि एकाग्रता का कहीं पर भी अभाव नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर थोड़ा सा केयर करके चलने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। कन्या राशि, स्वराशि स्थान से चंद्रमा द्वितीय भाव की ओर जब गमन करने वाले हों तो यहां आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास की जो थिन लाइन होती है उसमें विभेद करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। स्वयं के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि जो कई बार दुष्प्रभाव ओवर कॉन्फिडेंस के निकल कर आते हैं उससे आप निरंतर तौर के ऊपर बचते चले जाएं, एक बात तो ये। दूसरे लेवल के ऊपर गृहस्थ जीवन का जो मोटिवेशन बना रहता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला रहेगा। नएपन के साथ में अगर आप अपने व्यापार को देख रहे हैं, ये जो एक पॉज मिला इतने दिनों का और यहां अगर आपने फिर से स्वयं को कंगालना शुरू किया है, स्वयं को एनालाइज करना शुरू किया है तो काफी हद तक एक बेटरमेंट सामने आ सकता है। वहीं खान पान के साथ में अगर आपकी रुचि जुड़ी हुई है तो वहां गृहस्थ के साथ में हाथ बटाने की ओर आपको निरंतर तौर के ऊपर गतिमान होना चाहिए। तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, हस्तक्षेप है तो यह भी ख्याल रखकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि वर्क फ्रॉम होम की पोजिशन के अंदर एक बेटर लेवल आपको मिल सकता है और वहीं से आपके लिए गेनफुल पोजिशन भी निकल कर आएगी। स्वास्थ्य में आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा विचलित और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सजगता निरंतर तौर के ऊपर अपने जीवन में बरकरार रखें, आसपास के लोगों को भी सजग करते हुए हम चलें। तुला राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा से चंद्रमा यहां शाम को 4:33 पर स्वराशि स्थान में आ चुके होंगे। जो लंबे समय से अटकाव थे, लंबे समय से भटकाव थे, मन के भीतर अज्ञात भय और उहापोह थी, वहां पर सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। शाम तक थोड़ा सा धैर्य के साथ में वेट करें। वाणी संबंधित कामकाज में तीव्रता आने की उम्मीद पुरजोर तरीके से की जा सकती है, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी की पोजीशंस नहीं है। साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां कई बार सताने वाली, परेशान करने वाली होती है, वहां पर भी आपको एक बार रीचेक करने की खुद को रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। कोई भी बॉडी इंडिकेशन के साथ में चलायमान होती है उसको आप हल्के में लेने से बचिएगा। एक बात और यहां नोट करके आप चलें, शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, जुड़ाव है, ये दिन एकाग्रता से थोड़ा सा दूर रखेगा। और वहीं कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया था तो वहां की तरफ आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टेलीफोनिकली वार्ता करें, अपने मन को उन बातों से संतुष्ट आप करते चले जाएं। किसी भी व्यक्ति विशेष को एक तरह से इंप्रेस करना है या फिर अपनी बातचीत से प्रभावी स्तर के ऊपर पोजिशन को आगे लेकर जाना है, ये दिन उस लिहाजा भी बहुत बेहतर है। वृश्चिक राशि, अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी महत्वपूर्ण निवेश करना चाहते हैं ये दिन बेटर है आपके लिए। तो वहीं पर शिक्षा में एकाग्रता बनी रहेगी। संतान पक्ष को अगर कुछ भी समझाना है या व्यापार में इंडल्ज करना है तो यहां आप उस निर्णय को ले सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, लंबे समय से वही आपके रोजगार का साधन है। यहां जो एक स्थिरता मिली है, जो भी महानुभाव हमारे इस कामकाज से जुड़े हुए हैं उनसे निरंतर तौर पर हमारी बातचीत होती चली जाए ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्षमताओं में लगातार वृद्धि है तो वहीं इच्छा शक्ति का कहीं पर भी अभाव नहीं है। पिता के साथ किसी भी कार्य में आप जुड़े हुए थे, यहां पर समझना और समझाना वाइस वर्सा पोजीशंस के साथ में चले ये आपको प्रयास करना चाहिए। धनु राशि,
दशम भावस्थ चंद्रमा है तो कहीं पर भी आपके लिए रुकावट और बाधाएं मानसिक सोच के साथ में परेशान करने वाली नहीं होंगी। एक बात तो ये, प्रबंधन संबंधी कोई भी रोल के साथ में आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं, घर से ही बहुत सारे लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की पोजिशंस को आप लेकर चल रहे थे, किसी व्यक्ति के रोल को चेंज करना है, शफलिंग करनी है, ये दिन द्विस्वभावी राशि के महानुभावों के लिए ऐसे सारे ही चेंजेस के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बेटर हाफ की ओर से जो भी आपको सजेशंस अपने व्यापारिक जीवन में मिलते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर मिलते हैं, वहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लंबे समय बाद जो शारीरिक स्तर के ऊपर खुद के लिए आपको ये जो मौका मिला है कि हम किस तरह से अपने लिए फिजिकल एबिलिटीज को गेन करने वाले हो सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ की ओर कैसे जा सकते हैं, अपने रूटीन को सुधारना है, ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए बने हुए हैं। कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है आपके लिए, ये एक बात। तो वहीं पर जो एम्पैथी होती है, लोगों से जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, दूसरे लोगों को समझना और उनकी मदद करना, ये आज आपका मूल मंत्र है। मकर राशि, भाग्य भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो और व्यक्ति उच्च शिक्षा की ओर लगातार अग्रसर हो, नौकरी पेशा जीवन से उच्च शिक्षा की ओर फिर से जाने में प्रवृत्तिशील हो और ऐसे निर्णय में कहीं पर भी उहापोह चल रही हो, तो जब नवम भाव में चंद्रमा हो और कर्म भाव की तरफ जा रहे हो तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। विदेश में रह रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन की चिंता सता रही थी, कोई भी नया ऑफर आ रहा है और उसको स्वीकार करके अगर आपको आगे बढ़ना है, उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस बात को स्मृतियों में रखकर चलिएगा। पराक्रम की कहीं पर भी कमी नहीं है, किंतु नेगेटिविटी के साथ में अपने पराक्रम को, अपनी ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखें। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहां रियाज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं से आगे आने वाला समय कुछ नए ऑफर्स भी लेकर आएगा। कुंभ राशि, अष्टम भावस चंद्रमा तो संध्या समय अंतराल तक, शाम को 4:33 तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचिएगा, क्योंकि अभी आपको 7:30 का प्रथम अंतराल शुरू हुआ ही है। निरंतर तौर के ऊपर 11 से 21 बार सुबह सुबह के समय ही हम हनुमंत उपासना यानी कि हनुमान चालीसा करें या फिर पूरे ही परिवार के साथ में बैठकर सुंदरकांड जरूर करें। पहला कार्य तो आप पूरे तरीके से संकल्पित होकर इस ओर जाने का करें, तो वहीं वाणी में जो आप प्रभाव चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मौखिक स्तर के ऊपर जब हम सुंदरकांड श्रवण कर रहे हों तो स्वयं भी दोहराते चले जाएं, कुटुंबी जनों का सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा, तो वहीं कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से आपको यहां बचना चाहिए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मीन राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं यहां तो सप्तम भावस्थ चंद्रमा व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लंबे समय के लिए लेना है और अगर आप तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव हस्तक्षेप रखते हैं, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से आपके लिए बना हुआ है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा निर्णय लेना है दोपहर के पहले पहले उस डिसीजन की तरफ आप चले जाइए। व्यापारिक साझेदारियों में अनुकूलता आज यहां बनी रहेगी, तो वहीं पर जो शारीरिक स्तर के ऊपर परेशानियां निकल कर आती है वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में बॉन्डिंग और सहयोग निरंतर तौर के ऊपर बना रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा झुकना और समझना, ये आज का मूल मंत्र आपके लिए रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये था 8 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाएं लेकर निरंतर तौर पर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।